नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर, मुखिया के कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते हैं। बिहार में नए नगर निकायों के गठन के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का अब भूगोल पूरी तरह से बदल गया है। प्रदेश में नए नगर निकायों के गठन के साथ ही अब 300 से अधिक मुखिया इस बार पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। नीतीश सरकार ने 103 नए नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल के कारण 200 से अधिक पंचायत नगर पंचायत क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे। इस तरह से 8 नए नगर परिषद के सृजन के साथ ही 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर दिया गया है। ऐसे में सीधे तौर पर 60 पंचायत नए नगर परिषद के क्षेत्र में चले जाएंगे। इसके अलावा 32 नगर पंचायत को अपग्रेड कर नगर निगम परिषद बनाए जाने के बाद से 40 से अधिक पंचायतें नहीं रहेंगी। यही नहीं, इसके अलावा 5 नए नगर निगम बनने के कारण 20 से 50 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पहल के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के 10,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों की छुट्टी लगभग तय हो गई है। अब मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच का क्षेत्र नगर निकायों में समाहित हो जाएगी। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के कारण 3 से अधिक पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि इसके जनप्रतिनिधियों को नगर निकायों चुनाव में किस्मत आजमाने का नया विकल्प मिलेगा। पंचायती राज कानून के तहत औसत 7,000 की आबादी पर हर पंचायत का गठन होता है। प्रति पंचायत में औसत 32 से 35 जनप्रतिनिधि होते हैं। इसी तरह 300 पंचायतों में करीब 10,000 जनप्रतिनिधि 2021 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य में 103 नई नगर पंचायतों का गठन को मंजूरी मिल गई है। इसमें सर्वाधिक 9 नई नगर पंचायतें दरभंगा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 8 नई नगर पंचायतें होंगी। वहीं बिहार शरीफ नगर निगम के विस्तार में भी मंजूरी मिल गई है। पूर्णिया में 8, मुजफ्फरपुर में 7 और सिवान में 6 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त और नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार को नगर निगम का दर्जा तो पहले से ही है, अब उनके हिस्से 5 नगर पंचायतें भी आई है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के क्षेत्र बलिया को भी नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा मिल गया है। गया में भी 5 नई नगर पंचायतों को स्वीकृति मिली है। भागलपुर, सहरसा और खगड़िया में 4-4, कैमूर, वैशाली, अररिया, सारण और मधेपुरा में 3-3 नई नगर पंचायतें बनी है। वहीं सुपौल, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, समस्तीपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद में 2-2 नई नगर पंचायतें होंगी। वहीं भोजपुर, मुंगेर, जमुई, नवादा, अरवल, किशनगंज, मधुबनी और बांका के हिस्से 1-1 नई नगर पंचायतें बनी हैं। इसके बाद से प्रदेश में 300 से अधिक मुखिया चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते हैं। प्रदेश में इस बार होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम के माध्यम से होगा। इसके साथ ही कोरोना काल होने के कारण मतदान बूथों पर 100 से ज्यादा मतदाता नहीं जा सकते हैं। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस बार होने वाले चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। इधर चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक ने पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस लिया है। अब सरकार प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराने की बात कह रही है। इसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से आयोग के पास भेज दिया गया है। अगर आयोग विभाग की मांग मान लेता है तो बिहार में 9 चरणों में मतदान हो सकता है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।